में आपको खुश आमदी कहते हैं बलोचिस्तान बल्कि यू क्योंकि पूरा मुल्क जो है वो दहशत गर्दी का शिकार सियासतदान एक अजीब से कंफ्यूजन का शिकार आवाम मायूसी का शिकार जबकि पूरा मुल्क जो है वो एक शिकार है और मुताद शिकारी है बहुत से ऐसे मसाइल हैं बहुत से ऐसे मौजूद हैं आज और ख़ास तौर पर जो हालिया दिनों में दहशत गर्दी की कफरीत और उसके बाद एक अजीब सी हैजानी कैफियत पैदा हो गई है बयान पर बयान आ रहे हैं करना क्या है किसी को कुछ पता नहीं किसी को कुछ मालूम नहीं है बात करते हैं सीनियर कॉलम नगार तजिया कार जनाब हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं हसन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का अच्छा ये जो पार्लीमान में सवालत उठ रहे हैं पार्लीमान के बाहर जो सियासतदान सवाल करने लग गए हैं ख़ासतौर पर सिक्योरिटी एजेंसीयों के हवाले से आपको लगता है ये सवाल जायज़ हैं और अब जिस सिचुएशन में अब हैं इसमें ऐसी बातों को उठाना चाहिए देखें आ, ये तो इनमें से तो कोई सवाल नया नहीं है जी ये पुराने सवाल हैं टाइमिंग के बारे में आप बात कर सकते हैं लेकिन आपने जो बात की हिजान की हमारा एक प्रॉब्लम है जी एक काम की हैसियत से आज के कॉलम में मैंने उसे तफसील से एक्सप्लेन किया है ज़ाहिर है इस तरह के प्रोग्राम में तफसील में नहीं जाया जा सकता हम बहुत उजलत पसंद जल्दबाज और बेसब्रे लोग हैं जी जितना पुराना मर्ज होगा उसके क्योर में उसकी उसके इलाज में उतना ना सही कम से कम भाई आधा वक्त तो एक्सपेक्ट करना चाहिए कि लगेगा यह कोई स्विच ऑन स्विच ऑफ अफेयर है नहीं क्या आपने हाथ लगाया बत्ती जल गई फिर बटन दबाया सारी बत्तियां गुल हो गई ऐसा नहीं है आपने खून और दूध पिला के ये अफरीत पाले और कई अशरे आपने ये एक्सरसाइज मुख्तलिफ कोई कभी जिहाद के तो कभी मुजाहिदीन तो पता नहीं क्या क्या ये बाप ने एक एलिमेंट पाल लिया है एक सांप है और मजाकरात भी हो रहे थे तो मैं बार बार लिख रहा था कि दीमक या सांप या भेड़िया उससे मजाकरात नहीं किए जाते उनको सॉर्ट आउट किया जाता है तब इस मुल्क के दानिश्वर बड़े अफसाने लिख रहे थे इनको पता नहीं क्या बना के पेंट कर रहे थे बहरहाल अब जो मसला है आ, ये है हालत जंग है आपने डिकलेयर नहीं किया लेकिन एक जंगी कैफियत तारी है कई मुल्कों से इनको समझने समझ के लिए बुनियादी बात यह है कि ज़रबे अजब से पहले समझ आ गई इनको सांप पाला था हमने ये रिलाईज हो चुका है आपको लगता है नहीं ज़रबे अजब बजात खुद इस बात की का एक सबूत है आ, जो जो मजीद मेरा ख्याल है और बढ़ता जाएगा इसमें ज़्यादा और रिफाइन होता चला जाएगा ये जो फ़ैम है ये फ़ैम मजीद रिफाइन होता चला जाएगा मैं जो बात अर्ज करने की कोशिश कर रहा था वो ये कि एक सवाल है जो हम सबको एक दूसरे से पूछना चाहिए क्या जरब अजब से पहले के और आज के पाकिस्तान में फ़र्क है हुँ. हर सेन आदमी कहेगा फ़र्क है और बहुत फर्क है दिस इज़ हजार अचीवमेंट ये जो एक घस गस, घसी पेटी मिसाल दी जाती है कि आधा पानी का गिलास भरा हुआ आधा खाली आप मैं समझता हूँ कि ये पौना भरा हुआ है वन फोर्थ खाली है उसको फोकस करके ये मैं मैं एग्री करता हूँ कुछ लोगों ने इसको बहुत क्रिटिसाइज किया है जो चौधरी निसार ने कहा है जी मैं उस सब्र जब्त और तहमुल मैं आपको एक बात बताऊं एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत बड़ा मार्शल आर्टिस्ट है तो कहानी जी उसने बड़ी मुश्किल एक बहुत ही आ, डिफिकल्ट किस्म के मिशन पे उसने अपने जानसार भेजे और साथ कहा कि जब तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किल पेश आए तो तीन खत दिए उसने कहा लिफाफा पहला खोलना दूसरी बड़ी मुश्किल आए दूसरा तीसरी बड़ी मुश्किल आए तीसरा लिफाफा खोलना तो उस टीम को जो बड़ा ख़तरनाक काम कंप्लीट करने जा रही थी कम्पलिश करने जा रही थी वो पहली बहुत ऑड उसने लिफाफा खोला अंदर लिखा था पेशेंस तो उन्होंने पेशेंस दोबारा उन्होंने अपना बहाल किया वो टेंपर लूज कर रहे थे दूसरा जानलेवा मरहला आया उस टीम पे तो दूसरा लिफाफा उस्ताद के कहने के मुताबिक खोला गया उसमें लिखा था मो पेशेंस तीसरा जानलेवा मरहला आया तो फिर लिफाफा खोला टीम ने और उस्ताद ने लिखा हुआ था स्टिल मो पेशंस ये जो है रॉ का मसला तो उस दिन का पैदा हुआ जिस दिन पाकिस्तान पैदा हुआ ठीक है जिस दिन ये दो मुल्क बने या यूं कह लें कि एक मुल्क दो मुल्कों में तब्दील हुए तो रॉ और पाकिस्तान के साथ उनका मामला वो तो इकट्ठे पैदा हुए हैं भाई ये जुड़वा भाई हैं सो so, उसके बाद जो कुछ आपने किया जो कुछ आप करते रहे स्ट्रेटेजिक स्टुपिड किस्म के आइडियाज एक एडवेंचरिज्म किया का वो चल चढ़ा रहा आप पे और वो एक अजीब ही अजीब गरीब किस्म की वो खलकत थी वो इंसानों से रिजम्बल करता था था वो पता नहीं क्या जनरल जहाँ तो अब इतना कुछ आपने जरब अजब के बाद अचीव कर लिया है

चले गए पास से उसके बाद हम क्या देखते हैं कि बलूचिस्तान में ही रैली निकालने का ऐलान करती है एक ऐसी बैंड आउटफिट एक ऐसी कालदन तंजीम जो पहले भी दहशत गर्दी में मुलवस रही है और फिर वो रैली भी निकालती है तो फिर ये जो तकरीर कर रहे हैं जो लोग उंगलियां उठा रहे हैं सवाल आज उठा रहे हैं उनकी बात में कुछ हद तक फिर वजन भी आ जाता है यही तो पैराडोक्सेज और हैं और ये जो लोग बाबेला कर रहे हैं इस मुल्क के अहल फ़िक्र रायसाज़ ये कह रहे हैं कि भाई अपना नेरेटिव जो है उस पर जो जाले लगे हुए हैं उन्हें हटाओ क्लैरिटी कॉन्सेप्ट क्लियरेंस जो है वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ावा दो उसको बेहतर उसकी वजह इसी तरह की नंगी कॉन्ट्रडिक्शन है ना लेकिन मेरा जतीी ख्याल ये है कि अगर आप तो देखें कितनी देर तक मार खाते रहे रिट्रीट पे रहे बैरस होते रहे जलीलु ख़ार होते रहे जी एच क्यू तक उन्होंने छोड़ा नहीं कामरान उन्होंने छोड़ा नहीं लेकिन उसके बाद फाइनली वो जैसे कहते हैं ना नाफ अनाफनाफ़ वो अनाफनाफ़ हो गया जी इनिशिएटिव लिया गया और वो जारी है अब तक और उसमें आपकी काबिल जिक्र अचीवमेंट्स हैं तो लेट्स हो कि अगर इनकी सोच में अब भी कोई डेंट या कोई सुकम बाकी है या कोई शिकने हैं तो वो वक्त के साथ साथ वो भी आउट हो जाएगी इसके अलावा मैं और आपने हसन साहब बताने की, की तो नहीं जो है। दर्द रखते हैं सोच रखते हैं ये महमूद अचक जई साहब भी जो है वो काफी आजकल अपने दर्द का मुजाहरा कर रहे हैं तो अहले फिक्र लोगों में आपने इनको शुमार किया है जो आजकल बहुत तकारीर कर रहे हैं पूरे मौजू पर नहीं देखें मैं आ, कम से कम इस हद तक तो किसी कीमत पे जाने को तैयार नहीं हूँ मैं आ, बहुत जब से हो संभाला है मैंने दो लफ्ज़ किसी के बारे में आ, इस्तेमाल नहीं किए एक कभी किसी को दारा इस्लाम से खारिज करना और काफिर का सर्टिफिकेट देना अल्लाह माफ़ करे अल्लाह अपनी अमान में रखे आदमी और कुछ भी कर ले ये तो करते हुए बंदे को आ, एक ये और दूसरा किसी की हुब्बुल वतनी पे शक करना मैं मेरे 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 डिज़ाइन में ही नहीं है ठीक है आप बांगी मार सकते हैं आप उल्टी सीधी हरकत कर सकते हैं अच्छा आप ख़तरनाक हरकत कर सकते हैं मतलब मैं जनरली समझता हूँ कि हर वो सियासतदान जिसने थोक के हिसाब से इस मुल्क को लूटा लूटा है मैं समझता हूँ वो चोर है वो डाकू है लेकिन मैं उसे गद्दार या गैर मुहब्बे वतनी समझता चूँकि मेरा ख्याल यह है कि उसको अंदाजा ही नहीं कि वो और उसके भाई बंद अगर इस मुल्क के वसाइल को इस तरह लूटेंगे तो अल्टीमेटली मुल्क कमज़ोर होगा और जब मुल्क और उसके अवाम कमज़ोर होंगे तो वो मुल्क वलनरेबल हो जाएगा ठीक है सो so, अल्टीमेटली बात गद्दारी की है लेकिन मैं हमेशा ये बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा कि यार इनको पता ही नहीं ये कर क्या रहे हैं शेख चिल्ली के बारे में है ना कि जिस जिस टहनी पे वो बैठा था उसी को काट रहा था तो ये लेकिन किसी के बारे में किसी को गद्दार कहना और किसी को काफिर कहना ये तो कोई इंसान का बच्चा तो ये काम नहीं कर सकता अच्छा आ, हसन निसार साहब आपने अपने कॉलम में जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं कुछ चीज़ें आपने कोट भी की और उसमें आपने जिक्र किया बयानिया के तब्दील होने का नरेटिव बिल्डिंग का ये एक चीज़ जो है उस पर मैं समझता हूँ आपकी टेक बहुत जरूरी है सर देखें एपीएस होता है उसके बाद से लेकर अब तक मैं मानता हूं ठीक है एक एनिमी स्टेट है आपकी भारत के साथ आपके तालुकात ठीक नहीं रहते वो भी रखना डालता रहता है ठीक है आपने आप, आप हर चीज रॉ पे डालते जा रहे हैं सर एक ऐसी सोच यहां पर जो पनप चुकी है मैं समझता हूं वो बहुत अलार्मिंग है उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं आप जो आपको भी काफर कह देगी कल कोर्ट के वो मुझे भी काफर कह देगी कल कोर्ट के और फिर कतल का फतवा भी जारी कर देगी इसमें कसूर किसका है अली बुनियादी तौर तो पर देखें ये एक पसमानदा और पस्त जहन जिसके लिए क्रूड अगर आप जबान इस्तेमाल करें तो दौले शाह के चूहे ये बेचारे मोस्ट ऑफ आर जो पॉलिटिशन हैं ये कुछ स्टेटमेंट तो नहीं है स्टेटमेंट जो तो सदियों में पैदा होते हैं आ, वो तो शायद भुटो भी उस कैटेगरी में नहीं आता ये वो किस्म के लोग हैं जिनके बड़े पेटी मफाद होते हैं जिनकी सारा फोकस अगले इलेक्शन पे होता है सो इनकी वक़ात बसात कोई नहीं ये अप्रोच ही गलत है मैं और आप अगर दुश्मन हैं तो आपको मुझसे और मुझे आपसे खैर की तवक्को नहीं करनी चाहिए उसमें तो बेहतरीन और आइडियल तरीन सूरत हाल तो ये है कि आप अपने घर को सीधा करें और घर को सीधा करने से क्या मुराद है किसी भी मुल्क में दो तीन चार पांच चीजें होती हैं फैसला कौन बुनियादी बात होती है किसी भी कौम का या फर्द का एटीट्यूड एंड बेहेवियर एटीट्यूड और बेहेवियर ये दो लफ्ज़ फैसला कौन होते हैं कौमों के अरूज और जवाल में ना मज़ह मैटर करता है ना रंग ना नस्ल ना जात ना किसी मुल्क की एज क्यू मिस्र बहुत पुराना है और हिंदुस्तान की तहसीब बड़ी पुरानी है और मैसोपटेमियंस जो है वो इतने हज़ार साल पुराना नो किसी भी कौम का एटीट्यूड एंड बिहेवियर वो डिटरमिन करता है कि इसका मुकद्दर क्या होगा दूसरी बात जो बड़ी सादा है बड़ी क्लैरिकल सी है बड़ी सतही किस्म की बात है कि क्या कर, कर, हमारे इसलाफ ने कहा है रिकॉर्ड पे आई ये बात के भाई आ, कुफर पे, रह है, जुल्म पे, जुल्म पे नहीं रह सकता अगर तो यहाँ पे आपको तो रोकना चाहूंगा ब्रेक हमारे ले ले वापस आएंगे तो एक बड़ी अहम बात जिक्र किया वो आपने आपने सियासतदानों पे बात की जनाब अब तक वो इतनी अहलियत नहीं रखते थे कि नैरेटिव बिल्डिंग में कोई किरदार अदा कर सकते सर नैरेटिव बिल्डिंग में जो हमारा दूसरा एक अहम दूसरी ताकत है हमारे मुल्क की स्टाबलिशमेंट मिलिट्री जो इकदार में भी रही उन्होंने क्या कोई किरदार अदा किया क्योंकि अभी देखते अभी तक ये चल रहा है कि हम इंडिया सेंट्रिक है हम उस सोच को अब तक समझ नहीं पाया जो हमारे यहाँ पनप रही है एक वक्फा लेंगे वक्फे के बाद इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद हाजिर हैं जी हसन निसार साहब हमारे साथ, साथ मौजूद हैं हसन निसार साहब कोशिश करेंगे क्योंकि वक्त कम है और आपसे बातें बहुत सी करने को जी भी चाह रहा है आपकी बात हम चाहेंगे कि उस पर भी आप अपना टेक जरूर, टेक जरूर दें खुशी शाह साहब ने कहा जनाब हमने आपके कहने पर नेक्टा पर अमल किया हमने आपके कहने पर नेशनल एक्शन प्लान बनाया मिलिट्री कोर्ट्स बना दी हुआ कुछ नहीं तो इन जिम्मेदारों को भी पार्लियामेंट में लेकर आए आपको लगता है दो बातें क्या एक तो पार्लियामेंट इनमें इनको लाना चाहिए और क्या ये जो बात कर रहे हैं क्या ये पार्लियामेंट में लाने की अहलियत हिम्मत रखते हैं इनको कि पार्लियामेंट में ले भी आएंगे तो क्या कर लेंगे पार्लियामेंट क्या है हिटलर ने पार्लियामेंट के बारे में एक बात की थी वो तो मैं रिपीट नहीं कर सकता अच्छा किस किस्म का मटेरियल, किस कैलेबर के किस कैलेबर के लोग देखें बात सुने आप और हम लोग ये बात बतौर फैशन करते हैं इतना ज़्यादा माहौल का जबर है कि हर बंदा रूटीन में बगैर सोचे समझे बोले जा रहा है बोले जा रहा है जमहूरियत है जमहूरियत है डी रेल हो जाएगी इसको म, इसका इसकाम वो भाई कहाँ है जमूरियत कोई शर्म हया भी नहीं आती लोगों को बात करते हुए एक ऐसी चीज़ के बारे में माला जपे जा रहे हैं जिसका वजूद ही नहीं है मैं पहले पंजाब पे कुर्ता था कि पचास रिश्तेदार हैं पूरे का पूरा खानदान घुसा हुआ है बाकी सब इनके कमी कमीन है सिंध के बारे में मैंने कल किसी चैनल पे पढ़ा मैं मैं मेरे रोंगटे खड़े हो गए उनकी कैबिनेट के बारे में वो भी बहुत साथ आ गए कोई शर्म हया यार कोई लोकल बॉडीज़ जिसे अवामी और मकामी हुकूमतें कहते हैं उनका कोई वजूद नहीं अच्छा एक प्रेशर कहता है कोर्ट के फैसले के बाद उनको ले के भी आए उनको माजूर बना दिया उनके हाथ पाँव तोड़ के उनको दिखावे दुनिया को दिखाने के लिए रेडी में डाल दिया जैसे वो ठेकेदार नहीं होते जो गदागरी का ठेके लेते हैं वो माजूर करके बच्चों को रेडियो में डाल के बेचते लेकिन हैं नहीं बेहतर नहीं बेहतर नहीं बेहतर अली साहब कत्तन नहीं बेहतर एक बोले जाते हैं लोग आप मुझसे बात ना कर रहे होते अगर वो डिक्टेटर ना होता पाकिस्तान में कोई जमहूरिया ये सो कॉल्ड जिन्हें आप जमहूरी और सियासी लोग कहते हैं इनमें से किसी का बाप भी चैनल्स का फ्लड गेट ना खोलता लेकिन सर आज आप मुझे एक बात बताएं एक नई बिल्कुल कर रहे होते इससे ज्यादा सख्त कॉलम लिखे हैं मैंने एंड आई गॉड वे विद इट जया के जमाने में लिखे जेल बुक ये क्या बात हुई और मुझे एक बात बताएं अयूब खान से लेके जनरल परवेज मुशरफ तक और वो तो एक दो इंडिविजुअल्स होते हैं बाकी तो यही है सारे ये जो मंडली बैठी है मियां नवाज शरीफ के इर्द गिर्द को गोद में बैठा है को पहा में बैठा है को तस्मे बांध रहा है कोई जूते रगड़ रहा है कोई मालिश कर रहा है अब मुझे बताएं ये कहां थे कल ये कौन लोग हैं नाइनटी परसेंट लोग ये कौन है सर कोई टीम तो रखे वो टीम ही है ना कोई टीम तो रखेगा ना नवाज शरीफ साहब भाई भाई कोई टीम तो, भाई, टीम तो तो रखनी पड़ती है सुबहानला क्या जवाब है इस द सेम मटीरियल सेम फैमिली इनमें से अक्सरियत के बुजुर्ग पाकिस्तान बनने से पहले भी कॉलिंग द शॉर्ट उठा के शजरे देख लें इनके आप यह मसलसल चंद खानदानों के रूल को जिनमें ना को मकामी हुकूमतों का ना कोई फैसले ना कोई कमी बना के रखा अब आपने फौज की बात की है जी एक इधारा बाकी रह गया है वो भी बिकॉज उनके हाथ में डंडा था वरना इस मुल्क में ये दिन देखते हम सी एम या कोई पी एम या कोई जीएम पता नहीं कोई आगे आर्मी चीफ को रुका भेजता कि हमले रुका हजा को कर्नल तैनात कर दिया जाए या सेकेंड लेफ्टिनेंट है इसको ब्रिगेडियर बना दे जो सिविल सर्विस में हुआ पंजाब के सबक आई जी अब्बास खान की रिपोर्ट है जी। बतौर आई जी छपी है जिसमें उसने कहा कि जो पुलिस को वॉन्टेड थे मतलूब थे वो पुलिस में भर्ती किए गए ऐसे ही तुमने इधारा तो रहने को ही नहीं दिया जमहूरियत जमहूरियत है नहीं इधारा तुमने नहीं बाकी तो... नहीं को रहने दिया फिर कहते हो फौज अपनी टर्म्स डिक्टेट कर एक ही तो इधारा है एक ही तो डिसिप्लिन फोर्स है और एक इनका एक और मछंदर उठ के कहता है पिछले दिनों कि ये डिसिप्लिन तो जी सिर्फ फौज में होता है जो कट्ठे जिनके बाजू उठते हैं और कट्ठे जिनके कदम उठते हैं मुंह, ये कायनात डिसिप्लिन से चल रही है इंसानी जिसमें डिसिप्लिन इतना सा वायलेट हो बंदा बीमार होता है ज्यादा वायलेट हो ये मौत वाक्य होती है कि दरिया डिसिप्लिन में रहे तो दरिया है वरना सैलाब है ठीक है ये जो कहने लग गए जनाब पार्लियामेंट में बुलाएंगे ये आपको क्या लगता है और... सिर्फ नारा है कि पार्लियामेंट में बुलाएंगे पहले भी कोशिशें की थी आपको लगता है कि इतना वो है कि जनाब पार्लियामेंट में बुला के ये सवाल पूछ सकते हैं क्या पार्लियामेंट अच्छा आप तो मानते नहीं ना सिरे ने से पार्लियामेंट पूछते रहे हैं, आप ये सारा कुछ करते रहे पार्लियामेंट में मैं देखें बात सुने मैं इस सारे जुगाड़ को जमहूरियत नहीं मानता अच्छा। प्लीज मैं हाँ जोड़ के बात आपसे कभी तन्हाई में अकेले बैठ के सोचे एक आदमी एक पागल आदमी एक बात करता है कि लोअर मिडिल मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास अपर अपर मिडिल क्लास के बच्चे हर शोबे में अपना आप मनवाते हैं उनके डंके बजते हैं वो जज भी बनते हैं वो टॉप के वकील भी बनते हैं वो जर्नैल भी बनते हैं वो मीडिया में भी नाम कदावर बनते हैं वो शायर बेहतरीन होते हैं वो अफसाना नगार बेहतरीन होते, होते, होते हैं हर शोबे में होते हैं, पैदा करते हैं। वो मुझे बताएं क्यों बनते हैं उनपे फिर डेमोक्रेसी कहे जाओ था यार फिर आप लोगों की मर्जी है आप जानो आपकी असम्बलियां जाने और आप भुगत ठीक है अबा जमहूर का लिए तो हराम है इस जमहूरियत में जमहूर के लिए देखें बात सुने मैं जूता बना सकता हूं मैं अपने लिए कानून नहीं बना सकता मैं फसल बना सकता हूं आपके पेट में ठोसने के लिए गंदम उगा सकता हूं ओ भाई क्या कोई कोई याफाकी काम है तो ये क्या काम है कौन से कौन से ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से आए हुए थे हमारे जो खुलफाए राशिदीन और आगे उनके लोग थे यानी आम आदमी की तो नुमाइंदगी आपने पच्चीस तीस चालीस परसेंट का कोटा रख दो यार तुम जो इस का एक भी नहीं है। की तो क्या बड़ा काम कर लिया कौन सी बड़ी तब्दीली जो है वो एमक्यूएम लेकर आ गई एक मिसाल हमारे सामने है ना निचली क्यादत को ऊपर लेकर आई थी तो फिर कौन सी कोई बड़ी तब्दीली आ गई देखे बात सुने एक बात याद रखें कहने को फजल हुसैन राई कहने को जमशेद दस्ती कहने को हनीफ रामे कहने को जहांगीर बदर कहने को मराज खालिद आप तो पहुंच गए ना कराची मैं यहां बता रहा हूं आपको चलो लोग आए ये कुछ भी नहीं कर सके उसकी वजह कि जब तक आप 51 परसेंट में नहीं जाते मेजोरिटी में नहीं जाता एक खास तबका एक खास थॉट एक खास ख्याल वो फिर कान नमक में नमक बन जाते हैं तब्दीली के लिए उनका देखें एक कंपनी है उसमें आपके शेयर हैं फिफ्टी वन परसेंट मेरे हैं फोर्टी नाइन परसेंट तो कंपनी की पॉलिसी आप डिकेट कराएंगे मैं नहीं सो जब तक इस मुल्क के महरूम मुतवसत पढ़े लिखे एक रीजनेबल एक रिस्पेक्टेबल तादाद में नहीं आते उस वक्त तक वही होगा जिसकी तरफ आपने इशारा किया ठीक है ब्रेक एक यहां पर ले लें और जिस आपने इशारा किया हसन साहब इस महरूम और पिसे हुए तबके को ऊपर आना चाहिए लेकिन इस महरूम और पिसे हुए तबके को महरूम और पिसा हुआ तबका ही ऊपर नहीं आने देता क्योंकि वो तबका वोट देता है उस अशराफिया को आखिर क्यों ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद हाजिर है जी हसन निसार साहब हमारे साथ, साथ मौजूद हैं उनसे दिलचस्प गुफ्तू का सिलसिला भी जारी है हसन साहब इमरान खान साहब दोबारा उठे पहले भी उठे थे कुछ इतना खास हो नहीं पाया दोबारा उठे हैं कादरी साहब दोबारा अपना किसान लेने उठे हैं मुस्तबिल में कोई तहरीक देख रहे हैं आप ऐसी जिससे कोई तब्दीली आ, तब्दीली आ सके देखिए तब्दीली का जो कॉन्सेप्ट है ये तो इमरान ख़ान साहब कहें या कोई और कहे मुझे तो मैं तो बया तो लॉजिकल तरीके से सोचने का मेरे साथ तो बचपन में नौजवानी में लड़कपन में एक हाथ हो गया कि हमें तरबियत इस तरह की हो गई कि हम रन ऑफ द मिल किसी पिटी बातें वो नहीं सोचते हम तो लॉजिक रीज़न की बुनियाद पे mm. तब्दीली कैसे आएगी ठीक है बीस करोड़ बंदा एक तरफ खड़ा है बीस आदमी एक तरफ खड़े हो तब्दीली कैसे आएगी या तो भाई लट हाथ में मैं तब्दील होने को तैयार नहीं हूँ आप तब्दील होने को तैयार नहीं हैं जो मिलावट कर रहा है जो अदालत में बैठ के रीडर बार पैसे पकड़ रहा है तो वो तब्दील होने को तैयार नहीं है जो ट्रैफिक रूल्स वायलेट कर रहा है जो थाने नीलाम कर रहा है और जो थाने ख़रीद रहा है जो इम्तहानी मनाकज़ बेच रहा है और ख़रीद रहा है वो अगर तब्दील होने को तैयार नहीं तो तब्दीली कहाँ से आएगी तब्दीली तो नहीं आएगी विद अ कॉम्बिनेशन अब उसके बारे में बात करूंगा तो कहेंगे ये का दुश्मन है अनसम अब ये बड़ी अजीब सी बात है एक बहुत क्लैरिटी के साथ लीडरशिप आए हाथ में डंडा हो जी बड़ी अजीब सी बात है वो बड़ा मशहूर कॉल भी है ऑस्कर वाइल्ड का कि अच्छा फैसला जो है वो कसरत राय की बुनियाद पर नहीं इल्म की बुनियाद पर होता है आपकी और मेरी किस्मत का फैसला भी वो शख्स करता है जो एक छोटी सी बिरयानी या एक छोटी सी कोल्ड ड्रिंक के ऊपर अपना वोट दे देता है तो बात बड़ी अजीब है, है वो वाली बात के शायद मैं भी टीवी पे बैठकर अगर ये बात कहूं तो किसी को बुरी लगे अल्लाह ताला अगर किसी कौम को हिदायत देने के लिए नबी पहुंच देता है नबी जो है वो उतारता है तो वो आवाम से पूछ कर नहीं उतारता वो उतार देता है और उसकी माननी पड़ती है मतलब उससे बड़ी डिक्टेटरशिप और क्या हो सकती है कि आपको माननी है तो आपको लगता है हमारे पास हल जो है अब वो जमहूरी हल जो एक राइज है कि जी वोट दिया वो कोई हल नहीं है हल कुछ ऐसा ही निकालना पड़ेगा जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं मैं तो आपको दाद देने को दिल करता है बड़ी ही मदत के बाद किसी के मुंह से कोई ओरिजिनल कोई जेनुन बात सुनी है जो ओरिजिनल भी है जेनुन भी है सच्ची भी है जिसमें वजन भी है जी मैं तो मैं तो बिलीव ही नहीं करता मैं तो वन हैंड रूल बिलीव करता हूं मैं यहां तक अपने प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि मैं रजाकाराना तौर पर अपना भौंकने का हक सरेंडर करता हूँ यहां तक तो मैं कह चुका हूं अच्छा और तो एक और बात आपको मैं अर्ज कर दू जी ये ह्यूमन राइट्स के लिए ह्यूमन होना बुनियादी शर्त है सही मेरे हुकूक तब हैं इंसानी हुकूक अगर मैं इंसान होना साबित करूं और दूसरी बात यह है कि हकूक और फराइज भुट्टो इसीलिए छोटा लीडर रह गया क्योंकि उसने कौम को टीका लगाया हकूक का फराइज की बात नहीं की जिन अजीम शख्सियात की बात आप कर रहे हैं पैगंबरों का की अजमत ये थी कि वो उसकी बने हैं जी वो वो डिवाइन मामला है वो और तरह का मामला था वहां फराइज पहले हकूक फॉलो करते हैं उनको यहाँ हकूक के अलावा ये नहीं हो सकता मैं ये ये मुल्क ये कौम ये उनहत्तर साल इनके साथ जो कुछ हो चुका है जो जो कुछ हो चुका है फिक्री तौर पर मजहबी तौर पर जज्बाती तौर पर आपका क्या ख्याल है कि सकूते ढाका हो है हवा में हमारे सामने बांग्लादेश की, की सूरत में, में नज़र आ रहा है जी हमें कौम की नफसियात में जो बच्चे उस वक्त पैदा नहीं हुए थे फॉल ऑफ ढाका के वक्त जो बाद में पैदा हुए उनकी नफसियात का भी हिस्सा बन गया है इनको जैसे जैसे थप्पड़ मारे गए हैं लोगों को मंटो का है, खोल दो वो कैफियत है सो so, मैं तो जस्ट डोंट बिलीव अच्छा चीन से बड़ा इश्क है आपको जी, चीन में डेमोक्रेसी है बिल्कुल भी नहीं हालात आपसे बदतर थे यहां तो गोरा बहुत कुछ दे गया था इंफ्रास्ट्रक्चर था बड़ा जबरदस्त आबादी उनकी आपसे कई गुना ज्यादा थी गुर्बत जहालत जिलत वो कई गुना ज्यादा बाद में वो आजाद हुए

मैं उसी की बात कर रहा हूँ अच्छा इटालियन वो पिज़्ज़ा नहीं खाते जो यहाँ खाया जाता है लेकिन वो कहते हैं उसको पिज़्ज़ा ही आपने अपने टेस्ट अपने रिक्वायरमेंट अपने मिजाज मूड अपनी ट्रेडिशन के हवाले में वो ब्लैंड करके आपने पता नहीं किस नस्ल का वो पापड़ सा होता है उनका पिज़्ज़ा एनी वे इसी तरह लंडे का कपड़ा है गरीब आदमी लेता है बेचारा दर्जी के पास जाता है उसे कहता है यार ये छः फुट के गोरे का है इसको मेरे साइज का कर्ज वो कर देता है अच्छा नहीं, नहीं, नहीं कि मैं अब ब्रेक मुझे का कहा जा रहा है लेकिन आपकी बात बड़ी बड़ीदार बड़ी है, हाँ। है।, है चीजों को अपने रंग में ढाल सकते हैं हम 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 अगर लीडर चूज नहीं कर सकते तो कम से कम उसको क्रिएट करने की उसको तखलीक करने की कोशिश करें तखलीक किस तरह होगा इस पर ब्रेक के बाद बात करेंगे ब्रेक के बाद हाजिर कोशिश कर रहे हैं नागर कंफ्यूजन से बाहर निकल सके और हमने ऐसे ही मेहमान को आज दावत दी कि जो सच और खरी बात करता है वो एक लगी लिपटी या वो बात नहीं करते हसन निसार साहब मैं अगर अंधों में कोई काना ढूंढने निकलू निकलूँ मौजूदा क्यादत में तो कोई है ऐसा काना जो मुझे मिल जाए जिस पर मैं तकिया कर सकूंगा यार चलो कम से कम ये लीडर है नहीं कम से कम इसकी तराश खराश की जा सकती है कोई है ऐसा नहीं देखें इसमें पहली बात यह है आपने कहा ना कंफ्यूजन रफा नहीं हम लोगों का वो क्लास और कैलेबर नहीं है कि हम कोई या इनकी कोई को, को, कर सकें इनके लिए कोई इस तरह का कंट्रीब्यूशन कर सकें वो इस तरह की सोसाइटी में इस लेवल के लोग पैदा हो भी नहीं सकते अच्छा। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर रहे हैं या हम जैसे लोग ये कर रहे हैं कि हम ट्रिगर कर रहे हैं हम सोचने पे मजबूर कर रहे हैं अगर आप घिसी पिटी वही रटी रटाई वही थूक के चाटने का अमल वही बार 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 बार, बार वही बातें दोहराते जाएंगे तो हम पक्के पहले ही दिमाग जो हैं वो पके पड़े हैं वो ग्रूज़ में चलने के आधी हैं खोपे चढ़े हुए हैं बैल चल रहा है सरसों का तेल निकल रहा है अल्लाह खैर सल्लाह सो हम बेसिकली ट्रिगर करने के लिए क्योंकि लोग खुद सोचें कि यार अच्छा चलो इस आदमी ने चार बातें की हैं चलो दो को तो समझ नहीं यार एक, इस बात में हाँ दम तो है हाँ मतलब बाप ये सोचने बैठ जाए कि यार मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है मेरे भाई का बेटा टॉप का इंजीनियर बना हुआ है मेरा फलाना सिविल सर्विस में चला गया है वो डीएमजी में आ गया है वो यार हमें से कोई असम्बलियों में नहीं जा सकता वाकई यार बात तो ठीक है इनके विंगे चिबे लंडो लपाठों ने ठेके लिए हुए हैं कि पहले ये हम हम पे हुकूमतें करते रहे फिर इनकी औलादें हमारी औलादों में कहाँ लिखा है भाई अच्छा मकसद ये है आपने जो बात की है कि नहीं ये मेरा ख्याल है कौमों की जिंदगी में आ, होते हैं आ, उसको मुझक तो पता नहीं क्या मुझे नहीं उसकी समझेंगे ठीक होंगे वो, इनको वो, वो जो एक बड़ा मशहूर वाक बादशाह ने कहा कि जना टैक्स लग गया छाओगे तो अंदर दाखिल हो गए चूंकि देखे उन्होंने कहा टाइम ज्यादा लगेगा आप बढ़ा दें एक बंदा और आ, बंदे बढ़ा दें हाँ नहीं टाइप तो हमारा वही है ये आठ नौ साल नौ सौ साल की गुलामी है जो ख़त्म होने में नहीं आई ये हम गजनियों गौरी को ये जो मैं बात करें नैरेटिव चेंज करना है। तो डे वन से करो भाई ये लोग करते क्या थे यहाँ से लड़कियाँ उठा के ले जाते थे फसलें उठा के ले जाते थे पैसा ले जाते थे जवानों को बच्चों को ग़ुलाम बना के ले जाते थे उनको फाते फातहीन फातहीन पता नहीं कहाँ के फातही और भाई ये वो लौसलातीन दिल्ली तो अपने राइबल्स के भाइयों के भाइयों के गोश्त का पुलाव बना के उसके अहले खाना को बीवी बच्चों कहता था खाओ मरो ये लेवल था दो चार उसमें नासरुद्दीन महमूद या इस तरह को दो चार बाकी तो सारे वैशीन थे अच्छा ये कौन लोग जो शुमाल से अपनी तोहफा आता जी इनकी कभी शक्लें देखी है इनकी इनके हुलिये देखें कभी सोचें यही पाँच सात सौ साल पहले जब आते होंगे नादर शाह ने जामा मस्जिद दिल्ली के मीनार पे खड़े होके कहा था कि जब तक मैं तलवार अपनी न्याम में नहीं रखता दिल्ली में कतलो गर्त करो उसमें उसने कभी किसी मुसलमान को छूट फातहीन सिर्फ फातहीन होते हैं पूरी तारीख हमारी एक दूसरे की गर्दने काटने से निसाब बच्चों के उसको बाहर निकालने तो आपको लगता है कि थोड़ी बेहतरी आ सकती है बहुत बेहतरी आ सकती है अब एक चीज जो उनको हजम नहीं हो रही इनकी तो रोटी रोजी थी ये ये इलाके लूटना उन्होंने कहा वहां इतनी जैसे फाकई इसलिए है कि अब उनको मुद्दतों से ये ये इलाके लूटने का मौका नहीं मिला कहानी क्या है अब इतफाक ये है रोज रिवर्स हो गए अब पाकिस्तान की फौज मजबूत तरीन फौजों में से एक है दैट इज द डिफरेंस पहले चढ़ते थे कोड़ों पर ना आगा ना पीछा फसलें भी ले गए लॉन्डियां भी बना के ले गए ये खसम का लफ्ज़ कभी सुना है खसम अच्छा। किसको कहते हैं अच्छा शोहर को जी खसम दुश्मन को कहते हैं जो यहां शोहर के मानो में इस्तेमाल होता है इसका बैकग्राउंड पता होता करें होता इस लफ्ज़ की तारीख पता करें अच्छा। ये वो कुछ था जो सवात में होता था कि आज तुम्हारी लड़की का रिश्ता लेने आ रहे हैं तैयारी करो खाना शाना भी तैयार रखो इसकी तारीख इस लफ्ज़ की मखासुमत है ना और ये हमारे कल्चर का हिस्सा बन गया इतने आदि होगा इसमें कि हमने कल्चर का हिस्सा बना दिया कसम हाँ जी तो ये तारीख सारी अब सिलसिले और हैं इनको और तरीके से है वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया मैं चाहूंगा इसका हल देखें जमहूरियत का हमारे पास जो सो कॉल जमहूरियत का फिर आपके मुताबिक जो है इसका कोई, कोई, कोई इतना खास नहीं अच्छा दूसरी तरफ डिक्टेटरशिप किसकी डिक्टेटरशिप कौन आए ऊपर से आएगा इम्पोर्ट किया जाएगा कौन होगा कोई मुख्तार इसका हल नजर आता है सर आपको नहीं मैं मुझे तो डिक्टेटरशिप तो कभी रही नहीं है यही लोग होते हैं अयूब खान के गिरद कौन थे वोट आके देख लें सारे के सारे परवेज़ मुशरफ साहब ताज़ा तरीन मिसाल बताएं मुझे उनके साथ जो लोग थे ये पता नहीं क्या अमीर मुकाम से ले वो शाहिद नवाज ना क्या हमद नवाज ना नवाज पता नहीं क्या जी। ये दानिया अजीज़ ये मारवी मैम ये ये कौन लोग हैं ये ये सारे ही प्रवेज मुशरफ साहब के दस्तों बाजू थे बहुत कल किसी और कहना कि जी, जी तो मार्शल होता है और फौज होती है जी मोस्ट वेलकम बहुत शुक्रिया सर बहुत मेहरबानी नाजरीन वक्त हमारे पास जितना भी था कोशिश की क्योंकि बहुत से मौजुआत ऐसे हैं जिस पर असर निसार साहब का टेक मैं समझता हूँ बहुत सूदमंद भी था और यकीनी तौर पर उनकी बातें मुनफरद होती हैं किसी को अच्छी लगे किसी को बुरी लगें हमारा वक्त यहाँ पर खत्म हो जाता है कल दोबारा हाजिर होंगे नए मौजूद और नए मेहमानों के साथ दीजिए इजाजत अल्लाह न